हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। ये है आरआरबी जेई 2019 के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जीके जीएस वाले। आज है जो वो है जीके जीएस का सेट और क्वेश्चन आपके सामने है। द फर्स्ट एशियन गेम वर हेल्ड इन कब हुआ था? एशियन गेम, पहली बार एशियन गेम किस कंट्री में हुआ था? तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, इंडिया है, ईरान, पाकिस्तान, चाइना। तो ऑप्शन नंबर 1 इंडिया में हुआ था, और कब हुआ था? 1951। आपको डेट भी याद रखना, हो सकता है अगली बार डेट पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, किससे ये डील करता है? तो आपके सामने सारे ऑप्शन हैं। पहला है क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर दूसरा क्या है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये आर्टिकल 17, कुछ कुछ आर्टिकल है वो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। क्या? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को डील करता है आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, कुछ चीजें आपने पढ़ी हैं पहले भी, आइसोटोप्स, आइसोबार, है ना? तो आइसोटोप्स आर दोज जहां पे व्हेन एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफर कर जाता है। एंड आइसोबार आर दोज जब एटॉमिक नंबर डिफर होता है और मास नंबर सेम हो जाता है, है ना? तो उसको आइसोबार कहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे एग्जांपल में आपके था ना, जैसे कि कार्बन है, कार्बन 12 आता है, कार्बन 14 है ना, ऐसा था। और यहाँ पे तुम्हारे आ जाता है क्या? पोटेशियम, आर्गन पोटेशियम, कैल्शियम, जहाँ पे मास नंबर सेम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट कर जाएगा। तो ऐसे ना आपके ऐसे नॉलेज था। अपार्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑप्शन दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिफरेंट होगा, फिर चौथा में क्या है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आइसोटोप्स में? तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो होगा नहीं, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो न्यूट्रॉन के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। क्यों? क्योंकि मास नंबर जो बनता है वो ना, वो नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बनता है ना? और जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अ प्रोटॉन और इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर होता है ना, तो डिफर कौन करेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही बटेगा, बढ़ेगा और घटेगा, तब ना मास नंबर पे कोई असर पड़ेगा, है ना जी? तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1 यहां से, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 200 ओडीआई, 200 ओडीआई, कौन सी वो क्रिकेटर थी? तो मिथाली राज, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं आपके, गोस्वामी और जो दीप्ति शर्मा है ये सब, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट है वो 200 ओडीआई खेलने वाली जो है वो है मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ डू ग्रीन प्लांट इन द सी हेल्प फिश टू रिस्पायर, है ना? तो ग्रीन प्लांट से हमको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है ना? ग्रीन प्लांट हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है ना? तो इसी तरह हम क्या कह रहे हैं? दे गिव आउट ऑक्सीजन टू रिस्पायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना, इसके लिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन द करंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपके सामने कुछ कुछ है ना, वी इक्वल टू आई आर, ये तो है ना ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा, तो ये एक फॉर्मूला है,
और अगर आएगा तो बताएंगे डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू वी, ये भी एक फॉर्मूला है ना। ये सारी चीजें ना आपको याद रखनी है। और क्या क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ये भी एक फॉर्मूला है जो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ रहा था क्लास 10th में, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, रिलेशन, तो बी इक्वल टू आई आर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है आपके सामने, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, कैसा है, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कैसा है ये। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, दिख रहा है ना कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका करेक्ट। चाहे तो ये बात मैं स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यहाँ पे जो बातें लिखी हैं, और इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ से, कुछ कुछ बात और लिखना है अभी इसीलिए इरेज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कुछ कि विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स हैज अ कोस्ट लाइन ऑन द अरबियन सी, अरबियन सी के साथ, तो अरबियन सी या वेस्टर्न कोस्ट लाइन में आता है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन में आता है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन में कौन कौन से हैं, गोवा स्टेट शेयर करने वाले हैं, गुजरात है ना, गुजरात पड़ता है, और फिर क्या पड़ता है, कर्नाटका, केरला, ये सारे स्टेट्स के नाम को याद रखने हैं, ठीक है। तो ये है ना वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो कि अरेबियन सी में पड़ रहा है, तो आपको शेयर कर रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्या लिखा है, गुजरात लिखा है। अब देखो कटायन प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl को स्प्लिट करो सोडियम आयन और फिर क्लोराइड आयन, इसको क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे ना, जब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर प्लस है इसके ऊपर निगेटिव है तो अनायन हो गया ये अनायन। तो आज के लिए इतना, ये सारी क्वेश्चंस थे, आपको क्वेश्चंस और सॉल्व उसके आंसर्स याद रखने, उससे रिलेटेड और भी आसपास के कॉन्सेप्ट है वो सब गेन करके रखना है, क्योंकि एग्जाम के दिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रहेगा, वो कितना आप नॉलेज, अपना नॉलेज वहां पे रख पाते हैं, पुट कर पाते हैं अपने पेपर पे, ठीक है। तो आपका नॉलेज ही काम आने वाला है। ओके, गुड लक, थैंक यू।